सॉर्निंग गाइस, दिस इज हमा फ्रॉम यंजूस और आज हम देखेंगे पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, तो बेसिकली ये मैटर को एफएससी स्टूडेंट्स के लिए है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है पेपर प्रेजेंट करना। ठीक है, और कई बच्चे ऐसे करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टाइलिश किस्म का लिख देते हैं, हेडिंग्स लिख दिया, ऐसे कर दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हो सकता है कि कोई एग्जामिनर हमें चिड़ खा जाए। ठीक है, या वो लक ही है वैसे तो चेकिंग के ऊपर, लेकिन आपको फिर भी पेपर प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए। बिकॉज एक जनरल जो रूल चल रहा है, रूल क्या है, किसी का जो रवायत चल रही है, ठीक है, आपने उसके मुताबिक चलना है ना। आपने अपना पेपर उसे अच्छी तरह प्रेजेंट करके देना, ताकि उसे पता हो कि बच्चे ने सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं, उससे ये ना लगे कि इसने कोई चीज़ छोड़ दी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो एक एक लफ्ज़ पढ़ें। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद ही कोई कोई लाखों में से या हज़ारों में से कोई एक होगा कि जो एक एक लफ्ज़ पढ़ता होगा ना। तो बेसिकली हमने आप करना कि अपना पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आए उसकी तरफ हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइन्स हमने साइड पर लगानी है वो ज़्यादा मोटी नहीं लगानी। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं जी, ए स्केल चौड़ी लाइन तकरीबन इतनी लाइन यहाँ से ऐसे लगा रहे होते हैं। क्यों भाई, एग्जामिनर पागल है क्या, उसे नहीं पता कि पेपर के अंदर इसने कितनी ये लाइन लगा दिया और आगे लिखा क्या है। लाइन आपने दोनों साइडों पे लगानी है। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने कहाँ से लिया। ठीक है, बेसिकली मैं पंजाब कॉलेज एफएससी से ग्रेजुएट हूँ, मतलब कि एफएससी मैंने वहाँ से माशाल्लाह की है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र मेरा फर्स्ट ईयर में उधर सुपर सेक्शन, एक तो होता है M1 सेक्शन में, अल्लाह का शुक्र मैं था, लेकिन उसके बाद भी हमारा एक सुपर सेक्शन बनता है जो मंथली टेस्ट हो पिछले मार्क्स की बेस के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र मेरा नाम था। हमें जो वहाँ उन्होंने बात बताई, जो वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन किया, ठीक है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह मैं आज आपकी पेपर प्रेजेंटेशन का आपको ये तरीका बताऊंगा। तो गौर से आपने वीडियो सुननी है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, तो आपने इंशाल्लाह पूछ लेना है। मैं नीचे इंस्टाग्राम फेसबुक का अपना लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यार चैनल उन लोगों से ये लाजमी शेयर करें कि जो एफएससी या मैट्रिक के अंदर अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, अब आपको पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका भी पता होना चाहिए। तो और चैनल सब्सक्राइब भी यार लाजमी इंशाल्लाह आपने करना है। ठीक हो गया, चले आए पेपर प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली पहली तो मैंने आपको बात बता दी कि जो हमने लाइन्स लगानी है वो हमने दोनों साइडों पर लगानी है। कोई ये नहीं है कि आप एक साइड पर भी लगा दें, ठीक है, लेकिन आपने दोनों साइडों पर लगानी है ताकि पेपर आपका ज़्यादा अच्छा लगे। टाइम होता है जब आपको MCQ शीट वो दे देते हैं, ठीक है, MCQ जब आप पहले कर लेते हैं तो क्या आपने स्लो मोशन में लाइन तो नहीं लगानी। एक दफ़ा ऐसी किसी लड़के ने सर से सवाल कर लिया, मुझे याद है, उर्दू के थे सर शकील साहब ना, तो हाँ उर्दू के थे आई थिंक ना, तो कहता सर टाइम ज़्यादा लग जाएगा दोनों तरफ लाइन लगाने में ना, तो सर ने कहा लाइना तुम स्लो मोशन से लानी है ना। तो बेसिकली ये है कि मतलब कहने का कि MCQs के बाद आपके पास टाइम होता है, ठीक है, आप उसमें लाइन लगा सकते हैं MCQs के साथ, जब लास्ट टाइम चल रहा होता है MCQs पेपर का, ठीक है, तो वो उसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर दे देते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये दो साइडों पे लाइनें कह रही हैं भाई ने या सर ने, तो अब मैं क्या करूँ या क्या करूँगी। ठीक है, तो ये ईजिली लग जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। तो इसके बाद पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आपके पास जो पेपर होता है, ठीक है, ये बोर्ड का पेपर है ना आपके पास, ठीक है, ये बोर्ड का पेपर आया, इधर रोल नंबर लिखना है, ठीक है, वो इधर वो बॉक्स बना हुआ है, इधर कोड वगैरह आपने फिल करना है, सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, और जब आप अंदर वाला पेज ऐसे खोलते हैं वहाँ लिखा होता है नाम, तारीख, पर्चा, नीचे सुपरिटेंडेंट के साइन, ATC, ठीक है, इधर वो ब्लॉक सा बना होगा जहाँ पेपर मार्क्स वो लिखेंगे, ठीक है, उससे अगला पेज के ऊपर एक इतना सा खाली जगह ऊपर होगी, ठीक है, और नीचे चार पांच लाइनें होंगी। आपने ये पेज नहीं लिखना इसके ऊपर, मैं अगेन बता रहा हूँ, आपने पहले पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखना, ठीक है, जहां आपने नाम और नंबर लिखना है उसके बिल्कुल इस साइड वाले पेज पे आपने कुछ नहीं लिखना, वो छोटी सी जगह आपने वो उसे छोड़ देना है। ठीक हो गया, अच्छा उसके बाद आते हैं, आपने जो पहला पेज फिर स्टार्ट करना है आपने यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, और उर्दू का पेपर हो इंग्लिश का पेपर हो कोई इशू नहीं है, आपने इंग्लिश वाली साइड से ही आगे को चलना है। अगर उर्दू का पेपर है आपने यहीं से आगे को इसे लेके ऐसे चलना है, ठीक है, इंग्लिश का पेपर है आपने फिर भी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। कॉज इधर लिखा होता है कि यहाँ से लिखना शुरू करें ना, वो जहाँ उन्होंने लिखा होता है यहाँ से लिखना शुरू करें, मतलब कि आप उर्दू का पेपर हो इंग्लिश का हो आपने लेफ्ट से राइट लेके चलना, राइट से लेफ्ट भी आ जाए उर्दू में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट चलेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो हमें बताया गया ना, कि एक किस्म का कि आपने जहाँ से लिखा हुआ कि यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो आपने वहाँ से ही लिखना शुरू करना है। ठीक हो गया,
अच्छा एक बात होगी, अब आते हैं कि आपने ऐसे लाइंस लगा लेनी है हर पेजेस पे, ठीक है, आपके पास टाइम इंशाल्लाह होगा। बेसिकली के पहले आपने 10-15 पेजेस पे इंशाल्लाह लाइन लगा लेनी है। अब मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा शीट्स का क्या रूल है, आया एक ही शीट देंगे या एक से ज़्यादा शीट भी देंगे, तो जो भी आपको शीट मिलेगी आपने जितना टाइम कम से कम में आपने उसके ऊपर लाइन्स वो लगा लेनी है, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, बिकॉज इसके नंबर नहीं है। हमने ये एक किस्म का पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए ये काम करना है, ठीक हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, सपोज आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो कहता है शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कह देता है, ठीक है, कि कोई भी आप क्वेश्चन ले लें, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में ना शॉर्ट में आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, एक्सप्लेन शॉर्टली अबाउट टू डायमेंशनल मोशन ना, ठीक है, जिसमें आपने 2-3 इक्वेशन लिखनी हो, ठीक है, मैं फिजिक्स से रिलेटेड अगर बात करूं तो वो आएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को भी छोड़ें, वो जो एक बच्चे लिखते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर, वो काम नहीं करना, ठीक है, कोई आर्ट या फैश वो फाइन आर्ट का पेपर नहीं है, आपका फिजिक्स बायो इंग्लिश आपके साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, आपके आर्ट्स वो इंग्लिश उर्दू वगैरह के पेपर हैं, आपके फाइन आर्ट्स के पेपर नहीं है, वो बड़ा सा सब्जेक्टिव 2 ऐसे ऐसे करके लिखना, मैंने मुझे नहीं याद मैंने कभी ऐसे वो बड़ा सा सब्जेक्टिव लिखा हो। खैर मेरे क्लास वाले उसके लिखते थे लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं पसंद थी, और इससे अच्छा इंपैक्ट भी नहीं जाता, क्या आप बड़ा सा सब्जेक्ट 3 लाइनें आप ज़ाया कर रहे हो पेज की, ठीक है। और अगर तो एक ही शेड में नहीं हुई तो आपको तो एक एक लाइन की वहाँ कदर होनी चाहिए, आपको एक एक लाइन वहाँ बचानी आनी चाहिए, खासकर वो स्टूडेंट्स जो इंशाल्लाह माशाल्लाह के किस्म का वो मैं फुल मार्क्स लेने के चक्कर में ना वो इंशाल्लाह गेन भी करेंगे, तो वो ये वीडियो लाजमी देखें, ठीक है, और ये लाजमी ये मेरी बात गौर से सुने। तो सबसे पहले आपने वो जो सब्जेक्टिव ऐसे वो नहीं लिखना, ठीक है, एग्जामिनर को पता है ये सब्जेक्टिव पेपर ही है, आपको भी पता है ये सब्जेक्टिव पेपर है, तो इसके ऊपर मगजमारी करने की जरूरत नहीं है कि वो ऐसे लिख रहे हैं या मुझे लिखना नहीं आता, मेरे क्लास वालों को लिखना आता, अब पता नहीं क्या होगा, ये बातें नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सपोज 2 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख लेना, ठीक है, सेंटर में करके ना ऐसे लिख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, अब आपने उसके आगे देखना, उसके पार्ट्स के ऊपर जाना ना, कितने पार्ट 1 करने लगे, पार्ट 2 करने लगे, पार्ट 3, 6 या 7 पार्ट होने ना आपके सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर उसके, कि आप आया आप कौन सा पार्ट करने लगे, तो आपने उस हिसाब से, सपोज मैं इसका अगर कहूँ कि मैं पहला से ही हमने पार्ट करना है, हमने ऐसे पहला लिख देना, ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ये आपका ऐसे पहला, वो बात करता है राइट अ नोट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन शॉर्ट क्वेश्चन में ना, ठीक है। आपने क्या करना है, अच्छा पहले तो आप ये देख लेंगे मार्कर मेरे पास कौन सी है ना, ये मास्टर की मेरे पास मार्कर है, आप वो उसकी भी ले सकते हैं दूसरे की टेम्पो की, तो लेकिन मास्टर भी अपने पास है, ठीक है, ये अच्छी मार्कर है, एक 605 नंबर है और एक 604 नंबर है, एक मोटी मार्कर है एक बड़ी मार्कर है, ये चीज़ें आपने देखनी है। क्या अच्छा वो बात करता है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर ना, तो आपने ये इस मार्कर से आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप इधर लिखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने लिख लिया। इधर आपने इसका वो लिखना है कि आया ये कैसे है ना, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है या जो भी इसकी बात करनी है ना। अच्छा तो ऐसे ये मैं आपके साथ ये डेफिनेशन ऐसे लिख ली, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक हो गया। अच्छा अब वो आगे इसका हमने देनी है फिर एक और हेडिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपने इधर ऐसे डॉट लगाना है और इधर लिखना है एक्सप्लेनेशन, ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में आपने उसका यहाँ से स्टार्ट कर देना, सपोज के बॉडी इज मूविंग ऐसे या जो भी ना, आपने उसकी बात कर देनी है, ठीक है, और उसमें जो आपने इक्वेशंस लिखनी है वो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ तो आया उनके इर्द गिर्द ऐसे बॉक्स एक बना दें, ठीक है, सपोज ही तो मैंने कोई इक्वेशन लिखी तो उसके इर्द गिर्द ऐसे बॉक्स बना दिया, या उसे आप मार्कर से ही लिख लें, ठीक है, दोनों तरह से ही है, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ, या आप उसे मार्कर से ही लिख लेना, ठीक है, या आपको समझाने के लिए है कोई, वो मैं पेपर नहीं इधर कर रहा, ठीक हो गया।
ठीक है, तो बेसिकली इधर हमने वो जो भी लिखना हुआ है ठीक है वो लिखना है, ठीक है यहाँ से स्टार्ट कर लें, ये भी आप यहाँ से भी स्टार्ट कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। या आपने ऐसे लिख देना, इक्वेशन आती है उसमें ठीक है, नई इक्वेशन आती तो कोई इशू नहीं है, आपने उसका वो ऐसे जो भी लिखना हुआ लिख देना है, ठीक है। इस इधर नहीं लिखना, जहाँ इक्वेशन लिखनी है वहाँ नहीं लिखना, ठीक है, इधर सिर्फ इक्वेशन ही लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, आपने अब क्या करना, सपोज आपका ये यहाँ खत्म हो गया तो आपने नीचे एक लाइन लगा देनी, ठीक है, यहाँ से आपने नंबर टू इसका स्टार्ट कर लेना, या जो भी आपको आता है, ठीक है, आपने ये नंबर टू स्टार्ट कर लेना, ऐसे ही इधर इसकी हेडिंग देनी है, सवाल लिखना है, जो भी करना है, ठीक हो गया। अच्छा अगर तो आपका सपोज ये लास्ट लास्ट वाली लाइन पे आता ना, यहाँ खत्म होता, तो आपने इस लाइन से स्टार्टिंग करना, फिर आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर चले आना है। हाँ अलबत्त अगर आपके पास जगह ना हो, फिर आप लाइक आप समझते हैं कि मेरे पेज आप कम रह जाएंगे, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, तो फिर उस हिसाब से फिर आपने नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जाना, आपने वहीं से स्टार्ट करने की कोशिश करनी है। तो ये ज़रा मैंने वाइड एंगल मोड के ऊपर कर दिया है ताकि आप अच्छी तरह देख सकें, ठीक है, तो ये ऐसे लगेगा पेपर आपका। तो अच्छा अब आते हैं अगले स्टेप की तरफ ना, सपोज अगर न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर वो दे देता तो आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल का इधर एक हेडिंग देनी, सपोज नंबर टू था न्यूमेरिकल ना, तो आपने इधर ऐसे ही लिखना है डाटा, ठीक है, उसमें उसने क्या दिया हुआ है, उसमें सपोज उसने वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, आपने इधर लिख देना वेलोसिटी ऑफ बॉडी या जो भी ना बॉडी, इतने मतलब 10 मीटर पर सेकेंड है ना, आपने ऐसे लिख देना, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन की वो बात करता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के आपने वो लिख देना है, ठीक है। इसी तरह इधर वो मास ऑफ बॉडी बात करता है, वो कहता है फाइंड करो, वो लिख देना है, ठीक है। उस सॉरी इधर आपने ये वी ऐसे इधर जी ऐसे वो आप लिख लेना, ठीक है, इधर से इधर स्टार्ट करिएगा और लिख लीजिएगा, वो मुझसे गलती होगी, खैर ये ऐसे इधर से आपने स्टार्ट करके लिखना है ताकि ये आपका ना अच्छी तरह आ जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना, जो भी चीज़ वो कहता टाइम ऑफ टाइम दे देता है, ठीक है, या टाइम फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल दे देता है, ठीक है, तो आपने ऐसे नीचे वाली लाइन पर लिख के जो भी वो देता है मीटर या जैसे भी ना, ठीक है, वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर लिखना है सोल्यूशन, उसे फिर आपने हल करना शुरू करना है, और जो आंसर होगा वो अगले पेज तक जाएगा ना, ठीक है, तो जो आंसर होगा उसका, ठीक है, वो आपने क्या करना है, आपने वो आंसर को इस तरह डब्बे के अंदर लिखना, ठीक हो गया। फिजिक्स का तरीका आपको पता चल गया, इसी तरह बायो के आपने शॉर्ट क्वेश्चन, इसी तरह केमिस्ट्री के आपने शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो जो भी मैथ के अगर डेफिनेशन है तो डेफिनेशन लाइक वो कहता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो आपने इधर लिखना स्केलर मैट्रिक्स, उसकी आगे एग्जाम्पल, जहाँ एक्सप्लेनेशन मांगे वहाँ एक्सप्लेनेशन, जहाँ फॉर एग्जाम्पल मांगे सिर्फ लाइक डेफिनेशन और एग्जाम्पल, तो एक्सप्लेनेशन की जगह वहाँ हमने लिखना फॉर एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपका इंशाल्लाह इस चीज़ में ना काफ़ी कवर हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं होगा आपको पेपर प्रेजेंटेशन में, सिंपल पेपर प्रेजेंटेशन है, कोई इशू नहीं है, कोई वो सब्जेक्टिव लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ एक और बात जो आपने गलतियाँ नहीं करनी वो क्या है, सबसे पहले तो आपने एक गलती ये नहीं करनी कि आपने जो क्वेश्चन नंबर टू अगर स्टार्ट किया है, ठीक है, मैं आपको पेपर दिखा के फिर उससे बात करता हूँ। अच्छा जैसे आपके सामने ये है ना, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है, इसका लिखा राइट है शॉर्ट आंसर यानी 8 पार्ट, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो बायो हो ऐसे ही होता है, इवन के मैथ के अंदर भी ऐसे ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा आपने क्या करना है, अब ये दिया है एक्सप्लेन एन हाइड्रोबायोसिस विद एग्जाम्पल नंबर 1 में, ठीक है, मैटक FSC के अंदर सेम यही पैटर्न है, ठीक है, गौर से ज़रा सुन लें। अच्छा तो एक्सप्लेन एंड हाइड्रोबायोसिस विद एग्जाम्पल, आपने नंबर 1 इसका कर लिया, आपने नंबर 2 भी इसका कर लिया, आपने नंबर 3 भी इसका कर लिया ना, ठीक है, अब आपको नंबर 4 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, तो आपको 9 आ रहा है, तो कोई मसला नहीं, आप 9 को आप उसके बाद नंबर 3 के बाद आप 9 के ऊपर डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आप आ जाते हैं, ठीक है, आप देखते हैं कि इसमें से आपको 2-3 बस आते, 4 आते थे, ठीक है, 1, 2, 3 और 9, उसके आगे नहीं आता था, तो अब आप कहते हैं जी एक मैं यहाँ से उठा के इधर कर लेता हूँ, ये काम नहीं करना, ठीक है, बात समझ आ रही है, ऐसे आपको वो काउंट उसमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा
आप कहते हैं कि जी सेक्शन वन में कर रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर टू में कर रहा था, ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट कर देता हूँ, बाद में फिर क्वेश्चन नंबर टू का एक पार्ट कर लूंगा। ऐसे भी नहीं करना, पहले क्वेश्चन नंबर टू अगर हेडिंग दे रही है तो उसमें से जितने पार्ट आते हैं इनका ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब 1, 9, 7, 4, 5, ये आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं क्वेश्चन नंबर टू का 1, 2, 3 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर थ्री का उसके बाद 4, 5, 6 कर लूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर आ जाऊँ, वो हेडिंग लूँ, ऐसे नहीं करना, ऐसे ज्यादती हो है, ठीक है, पेपर का गलत इम्पैक्ट जाएगा और वो आपके मार्क्स काट सकता है, ठीक हो गया। ऐसी वो नंबर वहां लगा दे बाद में, फिर आगे क्रॉस क्रॉस कर दे तो फायदा कोई नहीं, इतनी मेहनत भी इंसान करे और फिर पेपर के अंदर ये गलतियां करे, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आपको मैं एक बेसिकली एक चीज बता दी। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन टू जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, तो सेक्शन टू के अंदर आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर फाइव अगर आपने सपोज स्टार्ट किया है, ठीक है, इसका पार्ट ए और बी है, अगर फाइव स्टार्ट किया तो इसका बी पहले कर सकते हैं, ए बाद में कर सकते हैं, नो इशू। अगर आप ए पहले करें बी बाद में करें, नो इशू, लेकिन जो सवाल स्टार्ट किया उसे एंड तक कंप्लीट लाजमी करें। हाँ, नहीं आता तो छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर फिर आप बाद में जाएंगे ना, क्वेश्चन नंबर सिक्स के ए भी आते हैं, लेकिन आपने ए भी दोनों इकट्ठे ही करने हैं, ये ना हो कि क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए कर रहे हो, एट का बी उसी के साथ कर रहे हो, बाद में सिक्स फिर सिक्स का बी कर रहे हो, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो इससे चांस बहुत कम हो जाता है कि ऐसे एग्जामिनर फिर आपका अच्छी तरह केयरफुली चेक करें या जो भी करें ना, अगर उसे मार्क्स गलत लगा दिए तो लगा दिए, ठीक है, तो आपको ऐसा पंगा लेने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सामने मैंने बता दिया है। हाँ, पेपर खाली नहीं छोड़ना, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फोर के आते हैं 1, 2, 3, ठीक है, आपको बाकी नहीं आते, आपने उनकी हेडिंग दे के कुछ ना कुछ अगर आपके पास टाइम है लाजमी लिख के आए, पेपर खाली ना छोड़ें, ठीक हो गया, ये बात अच्छी तरह पल्ले बांध लें कि आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ लाजमी लिख के आना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक पेपर प्रेजेंटेशन का मैंने तरीका बता दिया, ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगा कि आपको उर्दू के पेपर प्रेजेंटेशन का भी तरीका बताऊँ, और इसके साथ साथ फिर इंग्लिश का तो इजी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ, वो लेटर एप्लीकेशन का है कि वो तरीका आपने कैसे करना है, तो वो आप हेल्पिंग बुक से भी देख लेते हैं, तो इतना इशू नहीं रहेगा। मैं कुछ ट्राई करूँगा कि इंशाल्लाह आपको उर्दू का बताऊँ कन्फर्म से, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यार ये पेपर प्रेजेंटेशन का पता चल गया होगा कि हमने करनी कैसे, ठीक है। मैं ऊपर देखने गया था कि मेरे पेपर वो मिल जाए, तो अभी रात का टाइम है तो मिले नहीं मुझे, या वो पड़े हुए कहीं और, तो बेसिकली आपको मैंने ये बता दिया कि पेपर कैसे करना है या जो भी सूरत हाल है, ठीक है। हाँ, मैं ऐसा करूँगा फिर, या लिंक डाल दूंगा या कोई नई वीडियो जब मैं बनाऊँगा उर्दू से रिलेटेड या जो भी ना, तो उसमें फिर मैं पेपर इंशाल्लाह वो डाल दूंगा कि आपको पता चल जाए मैंने पेपर कैसे किए हुए हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप इजी आएंगे। तो ये ना समझिएगा कि पता नहीं मैं एवं लगा हुआ पेपर प्रेजेंटेशन बताने, तो मैं आपको पहले भी बताया कि मैं पंजाब कॉलेज सुपर सेक्शन में भी अल्लाह का शुक्र था, और जो पेपर प्रेजेंटेशन मुझे पता चली है उस हवाले से मैंने आपको ये चीज़ें गाइड कर दी हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये मैट्रिक और एफएससी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, कोई इतना इशू नहीं है, दोनों में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका सेम होता है, तो आपने बस ये चीज़ रखनी है। हाँ, बस वो क्वेश्चन उनका सिलेबस कोर्स डिफरेंट होता है, तो इसलिए ज़रा फील होता है कि वो एफएससी लेंथ ही है, मैट्रिक ईजी है। जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ ना, ठीक है, मैं आपके सामने एक सैम्पल के तौर पर कोई भी हम लॉन्ग क्वेश्चन खोल लेते हैं, ठीक है, लाइक लाइक नाइट्रोजन साइकिल है ना, ठीक है, बायो में क्वेश्चन नंबर अब वो कहता है सेक्शन टू, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ क्या आप इधर क्या कर सकते हैं, आप इधर सेक्शन वन लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू लिख सकते हैं एक लाइन छोड़ के, या जैसे भी आपने करना, अव्वल तो क्वेश्चन नंबर टू भी डायरेक्ट लिख देंगे तो जाहिर है क्वेश्चन नंबर टू वो सेक्शन वन में से ही है, लेकिन सेक्शन वन भी लिख देंगे कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इधर आप आ जाते हैं तो इधर आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, इधर आप लिखते हैं सेक्शन टू, ठीक है, सेक्शन टू आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, सपोज मैं इधर करने लगा हूँ कौन सा करता हूँ, फाइव का बी पार्ट, ठीक है, तो आपने इधर लिखना है, इधर लिख लें या सेंटर में लिख लें, क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है, पार्ट बी, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आप इधर लिखेंगे, इधर है सवाल है डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल गिव विट्स प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज, ठीक है, तो आपने बड़ा सा करके इधर लिखना है,
नाइट्रोजन साइकिल, ठीक हो गया। ये नाइट्रोजन साइकिल आपका ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा तो इसके बाद आपने क्या करना, उन्हें कहा इसकी डेफिनेशन डिफाइन नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। तो आपने इजीली, कोई इतना इशू नहीं है, आपने ये इसका ऐसे यहाँ से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। जो भी उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है, ये डेफिनेशन आपने उसकी लिख दी, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि गिव इट्स प्रिंसिपल स्टेजेस, ठीक है। आपने इधर प्रिंसिपल स्टेजेस की हेडिंग देनी है, ठीक है। इधर आप सपोज प्रिंसिपल स्टेजेस की हेडिंग देते हैं, प्रिंसिपल स्टेजेस, ठीक है। ये प्रिंसिपल स्टेजेस की आपने इधर हेडिंग दी, ठीक है। और उसका भी आप इधर बयान करते हैं कि कौन सी इसकी प्रिंसिपल स्टेजेस है, ठीक है। सपोज अगर सपोज मुझे नहीं अब याद नहीं इसकी कितनी है, तो अगर इसकी तीन प्रिंसिपल स्टेजेस हैं, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, ठीक है, तीन चार होती हैं इसकी। तो आपने लिखना फॉलोइंग आर द इसकी प्रिंसिपल स्टेजेस जो भी हैं, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, या दो इधर लिख लें, दो इधर लिख लें, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इधर मार्कर से फिर हेडिंग देनी है। सपोज इसकी पहली है अमोनिफिकेशन, इधर आप हेडिंग देंगे मोनिफिकेशन की ऐसे, ठीक है, या आपने मोनिफिकेशन की ऐसे हेडिंग दे दी। तो उसका आपने आगे फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना लिखना है, ठीक है। तो आपकी ऐसे ही ये पेपर प्रेजेंटेशन इजीली हो जाएगी, कोई इतना इशू नहीं होगा, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह फिर आप दूसरे की हेडिंग देंगे, बुलेट लगा के आपने हेडिंग देनी है, और आप ऐसे फिर नाइटिफिकेशन है सपोज, या जो भी है वो आप इधर करते जाएंगे, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपने इसी पेपर पैटर्न को फॉलो करना है, कोई इतना इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके पास टाइम इजाफी बच जाए तो आपने ये लाइंस इसके दरमियान, ये हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगा दें, ठीक है। लाइक जब आपने सारा पेपर कर लिया, ठीक है, और अब आप समझते हैं कि टाइम बच गया, एग्जामिनर पेपर छीन रहा, मेरे पास पेपर हमने एक दफ़ा पढ़ लिया या जो भी रीड कर लिया, आप मुतमिन हो गए, तो आप फिर इसके नीचे ये लाइन लगा सकते हैं, या जब आप हेडिंग दें उसके फ़ौरन बाद भी आप ये लाइन्स लगा सकते हैं ना, स्टार्ट स्टार्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट, ये देखें वही चीज़ आपको अच्छी लगने लग गई है। अगर इसके नीचे भी आप ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बस पेपर एक किस्म का अच्छा करने के लिए, ठीक है। एक अगर आप मोटी लगाएं और एक ये इसे ब्रीक रूख लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नजर आएगा ना, बजाय इसकी कि आप दोनों मोटी लाइंस लगा देना, ठीक है। ये देखें वही चीज़ आपकी ज़्यादा अच्छी नज़र आना शुरू होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक भी एक ट्रिक होता है, ये जो लाइंस लगा के एक मोटी आप लगा दें, एक ब्रीक लाइन लगा दें, इसी तरह आप इनके नीचे भी ऐसे दो दो लाइन तेज तेज जब आप वो लास्ट स्टेजेस हों पेपर की, ठीक है, दे सकते हैं। वरना जब आपने हेडिंग या फोन भी उसके नीचे लाइन लगा सकते हैं, लेकिन आपने ये स्टार्ट वाले सवाल में कर लें, ठीक है, दो तीन सवाल के अंदर लाजमी आप ये क्वेश्चन के अंदर कर लें, लाइक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के साथ कर लें, 7 के साथ टाइम कम है तो आपने बस वहाँ तेज तेज फिर लिखना ही है, ठीक है। और इसी तरह आप इसे क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे भी ऐसे वो लाइन लगा सकते हैं, ये आपका ऐसे इंशाल्लाह पेपर प्रेजेंटेशन का इजीली तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका पेपर प्रेजेंटेशन का इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, तो इसे आपने फॉलो करना है। और पेपर में खाली कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ये बात आपने पल्ले बांध लेनी है, पेपर में आपने कुछ भी खाली नहीं छोड़ना, ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाकी पेपर्स आ रहे हैं आपके, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहमत फरमाए। ख्याल रखिएगा अपना, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल भी यार लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाजमी आप सब्सक्राइब करें, इससे मुझे एक किस्म की मोटिवेशन मिलेगी, या हौसला, मोटिवेशन नहीं तो आप हौसला अफजाई मुझे कह सकते हैं, मुझे वो मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।